तो मैंने आपको दो मकबरे दिखाए हैं वीडियो में, जैसा कि इससे पहले एक पहले वाला मकबरा है और ये सेकंड वाला मकबरा है और ये थर्ड वाला मकबरा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे खेलते भी रहते भाई। और जैसे कि मैंने बताया था वीडियो में, ये फवारा था पहले यहाँ पे, ये पानी का वो यहाँ पे था फवारे के पानी ऊपर ऐसे होता था। और हर हर यहाँ पे कुंभत के पास ये बनाया गया है यहाँ। ये वहाँ पे फर्स्ट वाला मकबरा मैंने दिखा दिया था और ये सेकेंड वाला, और ये अभी ये थर्ड वाला मकबरा है। तो इसके बारे में आपको बता दें, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे आपको सामने चलिए दिखा देते हैं। ये यहाँ पे देखेंगे एक डोर इधर है और एक डोर यहाँ पे भी है। इसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है और इसके पास मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये आपको लास्ट कुंभत है और इसके बाद एक और कुंभत है, मैं आपको लास्ट वीडियो वहाँ पे लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो ये जो ये मकबरा है, खुसरो का मकबरा है और वो हिसार बेगम का मकबरा है। यहाँ पे देख सकते हैं खुसरो का मकबरा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ खुसरो का मकबरा 1587 से 1622 के बीच में, और शाह बेगम का बड़ा बेटा था जो कि नाम चाहिए, और जो शाह बेगम का बड़ा बेटा था खुसरो, ये उसका ये मकबरा है। बाकी इसमें भी डोर लगा, लेकिन इसका भी डोर यहाँ पे अभी बंद है। भाई यहाँ पे इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं, इधर माना है यहाँ पे भी टूर्नामेंट हो रहा है T20। तो यहाँ से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, इधर चले हम वर्ल्ड कप के दौरान हमें मैदान में नहीं आना। समाधि जो इसमें है, जो मकबरा में जो उनको दफनाए गए थे, उनको गेट तो खुला नहीं, लेकिन आपको मैं क्लियरली नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं पास जाकर के मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर आपको थोड़ा सा भी दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंधला है और इसके अंदर एक शीशा है और शीशे के अंदर ही ये पूरा उसका बना हुआ है, यानी जो दफनाया गया है उसके यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा क्लियर तरीके से। दोस्तों ये कुआं है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इधर से, किधर से रास्ता है, ये आई थिंक इधर से पानी वगैरह जाता था, ये कुएं से पानी होकर जाता था इस तरफ। और भाई किधर से, अच्छा ये इधर से रास्ता है, यहाँ पे रास्ता है। बाकी मैं फर्स्ट बारी जब आया था तो नहीं चढ़ा था।
ये रास्ता भाई, अरे सफाई इधर होती नहीं यार। और ये कुआं है भाई, ये कुआं बहुत ही गहरा है यार भाई। यहाँ पे देख सकते कैसे इसमें ये अभी भी पानी है इसमें। और इसमें यहाँ पे मोटर भी सेट किए गए हैं, लेकिन बहुत ही गहरा कुआं है। अब भाई गिर गए तो पूरा साला मर ही जाएंगे इसमें। ये पाइप भी लगा हुआ है। क्या हुआ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत गहरा कुआं है, इधर से ही पानी जाता है ना। ये हमारे देख सकते हैं, ये बहुत ही गहरा कुआं है और पानी इतना कचरा भरा हुआ, इतना ज़्यादा कचरा है इसमें। और ये रस्सी भी लगी वहाँ पे, देख सकते हैं ये रस्सी लगी है, है। और अबे रस्सी लगी उसमें देख, बाकी इसमें भी रस्सी लगी होती थी उस वक्त शायद पानी उन्हें खींचने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हाँ इसमें क्योंकि रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे एक चेयर रखी हुई है, वो देख सकते हैं वो वहाँ पे चेयर रखी हुई है। अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा भी जूम करने की कोशिश करता हूँ तो आपको दिखाई देगा, है ना। मैं वीडियो को जूम नहीं कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पे एक बार ही करता कर देता है ना। यहाँ पे देखिए, ये देखिए वो कुर्सी लगी हुई है, अब पता नहीं क्या है। बाकी इधर से देखेंगे और यहाँ से शायद इधर से पानी जाता था, ये इधर से, क्योंकि यहाँ पे पानी छोड़ते थे, ये पानी इधर ही से जाता था, ये इस साइड इधर से पूरा। हाय कर दे भाई, हाय देख लो, इधर से हाय कर रहे हैं। वाह वाह वाह, गुड गुड, बहुत खूब बहुत खूब। दिल जीत लिया, दिल के साथ साथ हमार हूँ। लास्ट गुंबद है, लास्ट गुंबद के पास चलते हैं, उसको भी मैं आपको दिखा दूँ, बाकी ये सब वीडियो में कवर हो गया। और जैसे कि यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन इसमें दफनाया किसी को नहीं गया था, तो ये वाला लास्ट है। और यहाँ पे एकदम कर दो यहाँ पर, चलो इसको पास में दिखाते हैं आपको, लेकिन इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ इतिहास जानते नहीं, थोड़ा बहुत जो है वही जानते हैं, बाकी यहाँ के लोकल लोग या फिर जो अच्छे तरीके से जानते हो तो पता नहीं। यहाँ के कोई गाइड नहीं है आपके जो गाइड करते हो, जो यहाँ के बारे में नॉलेज हो बिहार। आप ये सामने वाले मस्जिद है ना? हाँ, ये सामने गेट पर जो मस्जिद है इधर। हाँ, हालांकि हम लोग इधर गए नहीं हैं, तो सामने मेन गेट पर मस्जिद है, 100 साल अच्छा पुराना, 100 साल पुराना। टकला उकला फोड़ जाए हम लोग का। दोस्तों ये जो लास्ट वाला है मकबरा, ये तमोलन मिर्जी का मकबरा है।
इसमें लेकिन तमोलन का मकबरा बनवाया गया था दफन करने के लिए, हालांकि उनको दफनाया नहीं गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया था कि तबुलन का मकबरा है, उन्हें यहाँ पे दफनाया नहीं गया था। अब यहाँ पे मैं चारों तरफ से मैं आपको मकबरा दिखाता हूँ। इसकी खास कोई डिजाइन है और ना ही कुछ इसमें कोई लेख लिखा गया है, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई लेख नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं चैनल लगा हूँ, ऊपर जाने के लिए रास्ता है, ये ऊपर जाने के लिए रास्ता, हालांकि अभी ये बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आप, मैं आपको बता दूँ इसमें चारों तरफ से यहाँ पे डोर लगाए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जाले लगाए गए, हालांकि ये अभी जाली तोड़ दिया गया है, शायद किसी गलत काम की वजह से, या फिर जो भी उपद्रवी जो होते हैं बदतमीज लोग वो भी किए होंगे, हालांकि यहाँ पे देख सकते तोड़ फोड़ दिया गया, पता नहीं किस लिए तोड़ फोड़ दिया, वो हमें नहीं मालूम है। बाकी हमारा क्या है, क्या मतलब बाकी हम सब जॉब और ये जो एरिया उधर से हम लोग फ्रंट से आए इस साइड से, ये पूरा खाली दिखेगा, थोड़ा पास से है ना, यहाँ पे पास से दिखेगा, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल खाली है और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो बना जैसा कि मैं वीडियो अपने ब्लॉग में बताया कि लास्ट मकबरा है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग चैनल को सपोर्ट कीजिए अपना प्यार, और जरूर बताइए वीडियो कैसे लगे, क्योंकि मैं ऐसा ब्लॉग ये फर्स्ट बार ही शूट कर रहा हूँ, तो कुछ भी मिस्टेक मेरे से हो गई या कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो सेकंड ब्लॉग है मैं आपको दिखाऊंगा प्रयागराज का जो कंपनी बाग है, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, खुद को उन्होंने गोली मारी थी अंग्रेज़ों से लोहा लेते समय, और अंग्रेज़ों